है फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट के जो ऑब्जेक्टिव का बुक है उसका मिसलेनियस फिजिक्स में देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए मिसलेनियस। तो इसके पहले मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री, कंप्यूटर और भी डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट है लुसेंट से मैंने वीडियो बना दिया है, तो अगर आप नहीं देखे होंगे देख लेना, क्योंकि लुसेंट जो होता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का एक बेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो आज हम देखते हैं फिजिक्स का मिसलेनियस। तो मेरा पहला प्रश्न है, ब्लैक होल जिसे कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर, इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन का किया था चैडविक, न्यूट्रॉन का चैडविक। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का टेलर और यंग ने किया था। रडार का आविष्कार किसने किया? टेलर एवं यंग। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? तो न्यूटन। और मात्रक भी इसका न्यूटन ही होता है, तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक न्यूटन। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। मतलब ये हुआ कि नोबेल प्राइज किसके नाम से दिया जाता है? एल्फ्रेड नोबेल के नाम से। और एल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का खोज किया था? तो डायनामाइट का, डायनामाइट का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि नोबेल प्राइज जो होता है वो कब से स्टार्ट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। फिर तरित चालक के आविष्कारक हैं कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन तरित चालक का। फिर टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जे एल बेयर्ड, जे एल बेयर्ड, आंसर हमारा सी सही है। नेक्स्ट है, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? किसका किया? विमान का, किसका किया? विमान। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रोंटजन ने किया, रोंटजन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो आर्किमिडीज, जिसे हम उत्प्लावन बल भी कहते हैं, लॉ ऑफ फ्लोट, फ्लोट तैरना होता है, तो उत्प्लावन सिद्धांत का खोज किसने किया? आर्किमिडीज। फिर टेलीस्कोप की खोज किसके द्वारा किया गया? तो टेलीस्कोप, दूरबीन, इस सब का खोज इन्होंने किया? गैलीलियो। नेक्स्ट है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? तो हवाई जहाज हो या विमान हो, किसने किया? राइट ब्रदर्स, राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट है, गैस इंजन को किसने खोजा? डैमलर के द्वारा, किसके द्वारा? डैमलर के द्वारा गैस इंजन का खोज किया गया। फिर है, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो परमाणु बम का जो आविष्कार है किसने किया था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये हमारा सही आंसर है। फिर है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र मतलब होता है जिसके द्वारा कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो वर्न वॉन ब्राउन, वर्न वॉन ब्राउन, आंसर हमारा ये सही है। फिर है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। फिर है, लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो लेज़र का आविष्कार किसने किया था? एच मेनन, एच मेनन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, टी एच मेनन। फिर है, बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? तो बैलिस्टिक मिसाइल के खोजकर्ता कौन थे? वर्नर वॉन ब्राउन, जो मीन्स लॉन्च पैड का खोज किए थे उन्होंने बनाया बैलिस्टिक मिसाइल, तो कौन थे? वर्नर वॉन ब्राउन, आंसर हमारा ये सही है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो कौन किए थे? नोल और रुस्का, नोल और रुस्का। फिर है, गलत संयोजन को चिन्हित करें, मीन्स इसमें से कौन सा गलत है? तो जे एल बिलियर टेलीविज़न का सही है, जेम्स वाट स्टीम इंजन ये भी सही है, जे एल मीन्स ग्राहम बेल जो है टेलीफोन की ये भी सही है, लेकिन पेनिसिलिन का कौन थे? एडवर्ड जेनर थे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना, ये गलत है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर एक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कौन है? चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। फिर पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? मीन्स पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो कौन है? एंडरसन, एंडरसन। फिर ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किसने किया? तो एस चंद्रशेखर, पहला ही प्रश्न था एस चंद्रशेखर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था? तो किसने किया? वो किया था ऑरेस्टेड द्वारा, ऑरेस्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। फिर माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो
ग्राहम वेल स्कूटर का आविष्कारक है। स्कूटर का आविष्कारक कौन है? ब्रॉन सॉ। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? एनरिको फर्मी। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी। वायरलेस के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? थॉमसन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे वाटरमैन। विलहेमल रॉन्टजेन, मींस आप विलहेमल या रॉन्टजेन, डब्ल्यू रॉन्टजेन, रॉन्टजेन जहाँ पे आए तो ये किए थे एक्सरे मशीन का। रॉन्टजेन याद रखो आप। नेक्स्ट, टैपरेटर का आविष्कार किसने किया? तो सोल्स। टैपरेटर का आविष्कार किसने किया? सोल्स। फिर है पायरोमीटर, निम्नलिखित में से नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, मीन्स पायरोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें करते हैं हम सोनार से। समुद्री गहराई को भी मापने के लिए किसका यूज करते हैं? सोनार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो डी ये सुमेलित नहीं है, तो कौन कौन सा सुमेलित है सही है वो याद कर लेते हैं। मोनोमीटर से दाब मापते हैं, मोनोमीटर से प्रेशर। कार्डियो होता है ये हृदय का, तो कार्डियोग्राफ से हृदय की गति। फिर कार्बोरेटर मीन्स दहन इंजन, कार्बोरेटर क्या है? आंतरिक दहन इंजन। और सिस्मोमीटर से पिष्ट तल की नहीं, सिस्मोमीटर से क्या होता है? सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, ठीक ना? तो ये हमारा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें क्या है? एनीमोमीटर से वायु की चाल मापते हैं, एनीमोमीटर से वायु का चाल मापते हैं, सही है। अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, अमीटर से विद्युत धारा। टोकियोमीटर से दबाव नहीं, हम मोनोमीटर से दाब मापते हैं, ठीक ना? तो हमारा ये आंसर गलत है। पायरोमीटर से उच्चताप यहाँ पढ़े थे, पायरोमीटर से उच्चताप ऊपर कहीं पढ़े हुए थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी सही है, मीन्स ये टोक्योमीटर से दबावांतर नहीं मापा जाता है। नेक्स्ट है सापेक्ष आर्द्रता, मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है? तो वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। फिर रेफ्रिजरेटर में थर्मामीटर का कार्य है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो ये समान तापमान को बनाए रखता है, क्या करता है? समान तापमान को बनाए रखता है, आंसर हमारा सी सही है। फिर सुमेलित करना है इसमें आपको, तो क्या हो जाएगा? भूकंप जो होता है वो होता है सिस्मोग्राफ से, ऊंचाई होता है अल्टीमीटर से, विद्युत धारा है मीटर से, और प्रतिरोध ओम से, ठीक ना? ये हमारा सही आंसर होगा, देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये सही है। फिर मोनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? उसे मापते हैं गैसों का दाब। नेक्स्ट हमारा फिर सुमेलित करना है आपको, तो अमीटर से मापते हैं हम धारा, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, बैरोमीटर से मापते हैं हम दाब, और स्प्रिंग तुला से भार। तो ए का क्या है? तीन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक ना? बी हमारा सही आंसर है। फिर सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? डेवी, एच डेवी इनका नाम है। फिर वायु में सापेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो ये बार बार हम पढ़ चुके हैं अभी तक, कौन है? हाइग्रोग्राफ या हाइग्रोमीटर, हाइग्रो याद रखना है। फिर दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो वो मापते हैं हम लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो हम अल्टीमीटर का यूज करते हैं ऊंचाई मापने के लिए, अल्टीमीटर। फिर सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप, आंसर हमारा बी। फिर कार्बोरेटर का उपयोग होता है, तो क्या करता है ये? पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है हमको मिलान करना है, तो देखो रिएक्टर स्केल जो होता है, रिएक्टर वो क्या करता है? भूकंप तीव्रता। तो पहला का तीन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये और ये दोनों में से लग रहा है, ठीक ना? फिर ब्यूफोर्ट स्केल होता है हवा की गति, ब्यूफोर्ट स्केल। फिर है केल्विन, तो केल्विन से होता है परम ताप, ताप मापा जाता है। और मिलीवार स्केल से दाब, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है।
ठीक ना, ये सही है। फिर रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो उससे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और वह इन्वर्टर का यूज किस में करते हैं? डीसी को एसी में बदलने के लिए। दोनों याद रखना है। वैसे रेक्टिफायर अधिक पूछा जाता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्टियोमीटर। क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। आंसर हमारा सी सही है। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकेंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? उसको मापते हैं एस्ट्रोबोस्कोप, एस्ट्रोबोस्कोप। फिर रडार उपयोग में आता है, क्या करता है वो? तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रडार से कौन सा तरंग निकलता है, तो कौन सा निकलता है? रेडियो तरंग निकलता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। रेडियो तरंग निकलता है और उससे वस्तुओं की स्थिति पता की जाती है। आंसर हमारा सी सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो चिकित्सक जो यूज करते हैं उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप। आंसर हमारा बी सही है। फिर चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो नाम से ही क्लियर है, चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, जिन्होंने ब्लैक होल का खोज किया। फिर सेक्लेट्रॉन किसके तारित्व करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सेक्लेट्रॉन होता है परमाणु को त्वरित करने के लिए, परमाणु। फिर निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? मीन्स प्रत्यावर्ती धारा को, मीन्स डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो कौन करता है? अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। फिर या इसे ये भी कह सकते हैं, जिसे इन्वर्टर कहते हैं वही अल्टरनेटर है। कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्सरे किरण, एक्सरे किरण निकालने के लिए हम कुलीज नलिका का प्रयोग करते हैं। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? फिर समुद्र की गहराई की बात की जा रही है तो कौन सा हो जाएगा? सोनार। नेक्स्ट है, सुमेलित है इसमें से कौन सही है? तो क्रिस्टोफर काकरेल हॉवरक्राफ्ट का खोज किए थे, डेविड बुस्नेल पनडुब्बी का खोज किए थे, ठीक ना, भाप पोत का जेम्स वाट किए थे भाप इंजन का ही, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना, ये और ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, उसे हम कहते हैं डिक्टाफोन, डिक्टाफोन। इसमें क्या होता है? रिकॉर्ड करेगा या रिकॉर्ड जो भी किया गया है उसको फिर से प्रोड्यूस करने के लिए इसका हम प्रयुक्त करते हैं, किसका? डिक्टाफोन। फिर हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसको मापने के लिए, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापने के लिए। फिर साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? तो आवेशित कणों को उत्पन्न ऊर्जा प्रदान करती है, आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, मीन्स कौन ऐसा इसमें यंत्र है जिसकी सहायता से हम ध्वनि मापते हैं? तो कौन होता है? ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है, फैदोमीटर द्वारा मापा जाता है, तो फैदोमीटर से हम क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। देखो सोनार भी दिया रहेगा, सोनार से भी हम समुद्र की गहराई मापते हैं, ठीक ना। फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? किया गया था डॉक्टर अलन एम टूरिंग के द्वारा, एम टूरिंग याद रखना है, ठीक। फिर थर्मोस्टेट का प्रयोजन किया है किन, मीन्स थर्मोस्टेट का यूज क्यों किया जाता है? तो वो होता है तापमान को स्थिर रखने के लिए, हम पढ़े हैं कुछ देर पहले, तापमान को स्थिर रखने के लिए। नेक्स्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो उससे हम मापते हैं प्रतिरोध। एक रूजो सेप दिखा देते हैं कैसा होता है, इसे ये देखो, एक ऐसा रहेगा फिर ऐसा रहेगा, वो यहाँ पे एक प्रतिरोध, यहाँ भी एक प्रतिरोध रहता है, फिर ऐसा रहेगा, प्रतिरोध नहीं, रेसिस्टर लगा रहता है, ये वही प्रतिरोध ऐसा लगा रहेगा और बीच में गल्वनाइजेशन लगा रहता है, तो यही होता है एक मीन्स ब्रिज स्टोन। तो ये सब याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसे क्या मापा जाता है? प्रतिरोध। फिर अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें करते हैं परमाणु घड़ी का, परमाणु घड़ी का। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट फर्स्ट तो यही इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का पूछा जाता है।
और फिर ये कितना होता है तो 9.46 × 10^12 9.46 × 10^12। नेक्स्ट एक नैनोमीटर बराबर होता है, तो नैनोमीटर पावर 7 होता है, ठीक ना, 10^7, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, -9 होना चाहिए, ठीक ना, 10^-9, 10^-9, 9 9, ठीक ना, लेकिन माइनस में होना चाहिए, 10^-9, याद रखना इसको, भूलना नहीं। नेक्स्ट है 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, ये होता है 4.2 × 10^3 जूल, आंसर हमारा सी सही है। फिर 1 मेगावाट घंटा मीन्स MWH बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 × 10^9 जूल, आंसर हमारा डी सही है। फिर 1 जूल बराबर होता है, तो ये बराबर होते 10^7 अर्ग के, 10^7 अर्ग 1 नैनो सेकेंड में होता है, तो वही होता है 10^-9। फिर 1 एंगस्ट्रम इसके बराबर होता है, तो एंगस्ट्रम भी होता है 10^-10, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंगस्ट्रम। फिर 1 अश्वशक्ति बराबर होता है, तो 446 वाट, बहुत रेलवे में बहुत तरफ से आ चुका है ये प्रश्न, 1 अश्वशक्ति या हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 746 वाट। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1/1000 mm, 1/1000 mm। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10^-2 ग्राम। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर। 1 नॉटिकल माइल कितने के बराबर होता है, नॉटिकल माइल होता है 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर। 1 फैदम किसके बराबर होता है, तो फैदम होता है 1.80 किलोमीटर, 1.80 किलोमीटर। फिर 1 मील बराबर होता है 1.61, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 मील 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है। फिर 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो वो होता है 159, 159 लीटर होता है 1 बैरल में। नेक्स्ट 1 बार बराबर होता है 10^5 PA के। फिर 1 खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है, तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो दूरी है उसे कहा जाता है 1 खगोलीय इकाई, ठीक ना, याद रखना, आंसर हमारा ए सही है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो वो होता है 1/1000, पढ़े हैं अभी हम, ये क्या हो जाएगा 0.001 mm, ठीक ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा, तो होगा 9.8 न्यूटन। 1 प्रकाश वर्ष इसमें से किसके सर्वाधिक समीप है, मीन्स प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो वो होता है 10^15 मीटर के लगभग। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3,00,000 मीटर/सेकेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 3×10^8 मीटर/सेकेंड, आंसर हमारा सी, याद रखना, सॉरी याद रखना है 10^8 क्या होगा, -8 होगा, -8। नेक्स्ट है प्लैंक नियतांक का मान कितना होता है, तो प्लैंक नियतांक की अगर बात करें तो उसका मान होता है 6.63 × 10^-34 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है, मीन्स इसका MeV में अगर हम बात करें तो कितना होता है, तो 0.51 MeV, 0.51 MeV। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 10^-6 मीटर होते हैं। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 1 जूल में अगर कैलोरी की बात करें तो वो होता है 0.44 कैलोरी होता है 1 जूल में। फिर निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो 1 किलोमीटर = 1000 मीटर सही है, 1 मेगामीटर में 10^6 मीटर ये भी सही है, 1 गीगामीटर में 10^9 मीटर ये भी सही है, 1 माइक्रोमीटर में 10^-3 mm होता है, ठीक ना, ये मीटर नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये गलत है। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तित होता है, डायनेमो क्या करता है, मीन्स यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमो, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही इसका आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो प्रकाश विद्युत सेल में क्या होता है, वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आंसर हमारा बी सही है। फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो बैटरी, बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है,
तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तभी पढ़े 159 लीटर, 159 लीटर। सुनते होगे कि बैरल का दाम बढ़ गया, तो वही होता, क्या होता है उसमें 159 लीटर आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ नोबेल पुरस्कार के मीन्स दोनों ने मिलकर नोबेल प्राइज लिया था? कौन थे? विलियम हेनरी ब्रेग। विलियम हेनरी ब्रेग। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो क्या होगा, 183 × 10^7 नैनोमीटर। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी हम पढ़ चुके थे, किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन, रॉबर्ट वाटसन। और इसमें कैसे तरंग छोड़ते हैं? तो रेडियो तरंग छोड़ते हैं, ठीक ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना उसको। फिर वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं बैरोमीटर का, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। फिर पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये पढ़े हैं, तापक्रम मापने के लिए। पायरो है तो अत्यधिक टेम्परेचर, तो ऐसा दिया ही नहीं गया है, तो बस तापक्रम मापने के लिए, ठीक ना, आंसर सी। फिर तारों के मध्य दूरी मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसमें करते हैं प्रकाश वर्ष। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है ये प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश, जानते ही हो, 300,000 मीटर पर सेकेंड है, तो एक वर्ष में प्रकाश जितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, जानते बहुत ज़्यादा इनसे हो जाएगा वो, तो उतना दूरी होता है एक प्रकाश वर्ष। फिर टोकियोन से तात्पर्य है, इसमें क्या होता है, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण, प्रकाश की गति से जो स्पीड चले उसे हम क्या कहते हैं, टोकियोन। फिर भौतिकी में देखो, टोकियोन E=mc² जो फॉर्मूला है, mc², अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से अधिक चले तो वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोकियोन जो होगा, इस स्पीड से अगर कुछ चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, वो किसी को अर्पण कर सकता है, तो काफ़ी हाई स्पीड हुआ वो। फिर भौतिकी की चतुर्थ आयाम का परिचय दिया है, तो किसने दिया है, वो दिया है आइंस्टीन और बोस ने, तो आइंस्टीन, जिसे हम प्लाज्मा अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि इनमें से आपको सुमेलित करना है, तो एनीमोमीटर क्या होता है, वायुदाब, एनीमोमीटर से वायुदाब, एमीटर से विद्युत गति, एमीटर से विद्युत गति, टोकोमीटर से घूर्णन की गति, और पायरोमीटर से उच्च ताप, ठीक ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो, गैलीलियो। तो ये था इस वीडियो का एंड, इस मीन से टोटल 109 प्रश्न थे, तो मैंने वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि लूसेंट क्या होता है, हर का पीरियड के लिए बेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।